हाय एवरीवन दिस इज सौरभ ठाकुर और एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो वेरी मच ईगर टू सी द रिजल्ट ऑफ पीपल हुआ फॉलोइंग मी या फिर ऑल्सो माय ओन रिजल्ट व्हिच इज कमिंग तो देखो इस बार एन का क्या है कि दे आर हैविंग 50 परसेंट कैपेसिटी फॉर देर स्टाफ तो इसीलिए इस वक्त इस बार टाइम बहुत लग रहा है मुझे समझ नहीं आता है कि प्रोविजनल आंसर की के लिए भी उन्होंने बीस दिन क्यों लगा दिए मुझे समझ नहीं आता है पंद्रह बीस दिन पंद्रह दिन लगभग हालांकि आंसर की तो एकदम से तैयार हो जाती है प्रोविजनल है लेकिन फिर भी दे टुक सो मच टाइम एंड दे अपलोडेड द प्रोविजनल आंसर की एंड तो थैंक्स अलॉट उसके बाद क्या होता है कि आज मैंने कॉल किया एन में तो एन वालों को भी पता नहीं है दो तो पीपल हु टॉक टू अस हैव नो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे बताया मैंने कहा कि भाई फाइनल आंसर की कब आएगी क्या आप मुझे बता सकते हो तो उन्होंने कहा कि सर हमें तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और अभी इस महीने आ जाएगी इस महीने आ, जाएगी इस हफ्ते आ जाएगी उनको कुछ पता नहीं है पूरा पक्का पता किसी को नहीं है दूसरी बात यह है कि फेक लोग बहुत हो गए हैं YouTube पे जो आपको हर रोज फालतू की वीडियोस बना रहे हैं और फालतू के अपने सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं ये बता के कि रिजल्ट आ गया रिजल्ट 31 तारीख को आएगा पक्की खबर है मैंने फोन किया है क्योंकि उनके चाचे मामे बैठे हैं ना एनटीए में उन्होंने फोन करके पक्की खबर है बिना फाइनल आंसर की के रिजल्ट बता देंगे वो आपको यहां तक कि कई कई अब चैनल का नाम तो मैं क्या ही लू? लोग वन हंड्रेड एंड टेन परसेंट गारंटी है आपका स्कोर कार्ड दिखा दूंगा और जाके देखते हो तो वो आपको प्रोविजनल आंसर की के बारे में बता रहे हैं मुझे समझ नहीं आता दट एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एजुकेशन वाई पीपल आर डूइंग दिस एंड पीपल लाइक यू एंड मी आर फॉलोइंग हम लोग जज्बाती होके इमोशनल होके अपने रिजल्ट के इंतजार में उनकी videos पर जाके कमेंट करते हैं सर मुझे बताओ मेरा इतना है मेरा क्या होगा मेरे इतने परसेंट है मेरा क्या होगा अरे इतनी हड़बड़ाहट किस चीज की है आपको जब आपको कोई आदमी ये कट ऑफ बता रहा है ये कट ऑफ उस दिन की लिखी हुई है जिस दिन मैंने कट ऑफ वाली वीडियो बनाई है मैं आठ बार नेट दे चुका हूं मैं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं बड़ा चैंपियन हूं मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि जब आपको पता है कि हर बार इतनी ही कट ऑफ जाती है तो कई लोग ऐसा है कि दूसरे किसी और इंसान जो कि इंग्लिश फील्ड का है ही नहीं वो हमें कट ऑफ बता रहा है कि इंग्लिश ही कट ऑफ क्या जाएगी क्या ऐसा हो सकता है क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बैल बताएगा घोड़े को कि तुझे इस तरह दौड़ना है तो इसीलिए जो जिस फील्ड का है मैंने कभी किसी और सब्जेक्ट की कट ऑफ की घोषणा नहीं की है सिर्फ व्यूज के लिए क्यों क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है मुझे इंग्लिश की नॉलेज है मैंने आज तक जितना किया है कृपा रही है हर चीज की फैक्ट्स की भगवान की कि मेरी कट ऑफ लगभग हमेशा सही रही है है ना उसके बावजूद भी लोग ऐसी ऐसी वीडियोज देख रहे हैं उन फेक लोगों को जो कि आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ठीक है मुझे भी कई लोग कमेंट करते हैं बुरे बुरे भी करते हैं मैं बता दूं भाई मेरा कोई रिश्तेदार एन में नहीं है आज मैंने कॉल की थी लेकिन उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी उन्होंने कहा कि न, हम आपको बता देंगे मैंने कहा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वो वो कह रहे हैं मुझे कि हम आपको पब्लिक नोटिस के जरिए बता देंगे साइट पर आ जाएगा हमें इस बारे में अभी कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पक्की इन्फॉर्मेशन किसको है फिर हमें हम तो खुद भी परेशान हैं हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ही कर सकते हैं मैं तो दूर रहता नहीं तो एन के ऑफिस चला जाता क्या करें है ना तो ये सारी चीजें हैं फेक लोगों से दूर रहो मैं मैं थोड़ा सा अंदाजा लगा के आपको बता सकता हूं कि आपका फाइनल आंसर की और रिजल्ट कब आने वाला है जो आपको इंसान ये कह रहा है कि पक्की खबर है उसकी बात पे कभी विश्वास नहीं करना क्योंकि एनटीए की पक्की खबर किसी को भी नहीं होती है एनटीए में जो वहां कॉल पे रिसीव करने बैठा है उसको भी पक्की खबर नहीं है है ना तो इसीलिए पक्की खबर यह है कि मुझे 30 इकतीस तारीख तक बहुत उम्मीद थी कि फाइनल आंसर की आ जाएगी मैं शोर शराबा ज्यादा मचाता नहीं हूं वीडियो से तो आज तो मेरी उम्मीद खत्म हो गई आज एक तारीख हो गई है तो मैंने सोचा क्यों आप लोग भी बहुत परेशान हो मुझे कई मैसेजेस आ रहे हैं लोग कब आएगा कब आएगा अपडेट दो, अपडेट दो दो मैं भी सिर्फ अंदाजे से बता सकता हूँ मेरे पास सिर्फ तजुर्बा है और मेरे पास कोई जान पहचान नहीं है मैं तजुर्बे से आपको ये बता सकता हूं कि जब प्रोविजनल आंसर की आ जाती है उसके एक हफ्ते बाद मैक्सिमम फाइनल आंसर की भी आ जाती है जो कि एक हफ्ता हो चुका है लेकिन एन ने अभी तक फाइनल आंसर की हमें नहीं दी है और यह भी मैं फैक्ट्स के, के साथ आपको बता सकता हूं कि जिस दिन फाइनल आंसर की आएगी उसके तीन दिन के अंदर या चार दिन के अंदर मैक्सिमम आपका रिजल्ट भी आ जाएगा ठीक है यह भी पक्की खबर है अब आज एक तारीख हो गई है और हमारी फाइनल आंसर की अभी तक नहीं आई है ठीक है मुझे ऐसी उम्मीद है आज या कल या मैक्सिमम परसों फाइनल आंसर की आ जानी चाहिए अगर आ जाती है तो इतना तो साफ है कि पांच तारीख से पहले तो रिजल्ट आना नहीं है ठीक है कई लोग तो बड़ा कुछ बोल रहे हैं लेकिन मैं आपको बताऊं पांच तारीख से पहले नहीं आने वाला है कोई भी रिजल्ट है ना मुझे ऐसा लगता है कि पांच से आठ या नौ तारीख के बीच बीच सात तारीख के आसपास सात आठ तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है उसमें भी कंडीशन यह है कि तब तक फाइनल आंसर आ जाए क्योंकि फाइनल आंसर की जब आती है तो उनके पास करने को कुछ नहीं होता है सिर्फ कट ऑफ निकालनी होती है ठीक है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है फाइनल आंसर की में इसलिए टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस चैलेंज हुए हैं उन चैलेंज हुए क्वेश्चंस के लिए कमेटी बिठाई जाएगी उनसे पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन का क्या करना है इसका क्या सही आंसर होगा ठीक है अच्छी खबर यह भी है कि बहुत सारे लोगों के आंसर भी बढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शिफ्ट वन की मैं बात करूं टेन प्लस टू प्लस थ्री वाला जो क्वेश्चन था वो गलत था अगर आपने उसमें वुड्स डिस्पैच ऑप्शन में किया है तो आपका वो क्वेश्चन सही हो चुका है प्रोविजनल आंसर की में और जो क्वेश्चन का, का जो नंबर मिलने है वो सभी को मिलेंगे आपको भी मिलेंगे लेकिन जिसने वुड्स डिस्पैच किया उसको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा क्योंकि उसका काउंट पहले ही हो गया है जिस इंसान का वो गलत होगा प्रोविजनल आंसर की में उसी को उसका एक नंबर मिलेगा ठीक है दो नंबर मिलेगा मेरे कहने का मतलब मैं वैसे क्वेश्चन नहीं गिनता कोई मैं नंबर नहीं गिनता हूं ठीक रहता है छोटी कैलकुलेशन फटाफट हो जाती है क्योंकि मैथ्स मेरा वीक है ना तो एक उसका मिलेगा दूसरा एक डी का क्वेश्चन गलत था मुझे तो वो पहले ही नंबर पर आया था तो वो गलत था वो देख लेना है आपने एक उसका भी मिलेगा ठीक है तो दो क्वेश्चन के आपको मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं पेपर वन में अगर उसको चैलेंज किया होगा किसी ने ठीक है अगर चैलेंज किया है आप लोगों में से किसी ने भी इन दो क्वेश्चंस को एक डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन ही था मॉर्निंग शिफ्ट में शायद आपको पता नहीं सेकेंड या थर्ड नंबर पर किस पे होगा वो गलत था और उसके ऑप्शन आई मैं आपको बता देता हूँ रुको अगर आपने वो चैलेंज किया तो मुझे बताना कमेंट करके है ना ऑप्शन आईडी उसकी आपको बताता हूं लो जी मैंने फोटो ही डिलीट कर दी चलो जब तक फोटो निकल के आती है तब तक हम क्या ही बात कर सकते हैं फोटो ही निकाल लेता हूं रुको मुझे किसी ने भेजा था है ना तो ये अच्छी खबर है हम सभी लोगों के लिए इसकी ऑप्शन लो जी क्वेश्चन आईडी नहीं है इसमें ऑप्शन आईडी है बस ऑप्शन इसके देख लो इसके ऑप्शन है थ्री नाइनटी फोर थ्री नाइन थ्री नाइनटी सिक्स है इसके ठीक है तो जिस क्वेश्चन में डी के क्वेश्चन में मॉर्निंग शिफ्ट में ये चार ऑप्शन है ये वाला क्वेश्चन गलत है ठीक है इसके सभी को नंबर मिलेंगे अगर किसी ने चैलेंज किया होगा ये वाला क्वेश्चन और एक टेन प्लस टू प्लस थ्री जो उसमें पूछा था हंटर कमीशन वगैरह वगैरह ठीक है तो उसका कोठारी आंसर था लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था ये दो क्वेश्चन अगर आपने चैलेंज किए तो कमेंट में जरूर बताएं दूसरी बात यह है कि रिजल्ट मैंने आपको बता दिया सात आठ तारीख के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपकी फाइनल आंसर की आ जाती है है ना जो लोग आपको फेक वीडियोस बना रहे हैं उनको आप कमेंट्स में एक बार बताइए कि आप गलत कर रहे हो ठीक है और व्यूज के लिए कुछ भी ना करें कि भाई कुछ भी कर रहे हो आप ये आपके सामने है जो लोग इंग्लिश फील्ड के नहीं हैं उनकी कट ऑफ की वीडियोज देखने का कोई फायदा नहीं है ठीक है एक मैंने किसी की देखी मैं नाम नहीं लूंगा नाम तो मैं लूंगा भी क्यों उन्होंने कट ऑफ बताई है सिक्सटी टू से सिक्सटी सेवन या सिक्सटी सिक्स सेवन के बीच में तो बहुत प्यारे सज्जन हैं मैं आपकी इज्जत करता हूं दिल से लेकिन वो हमारे सब्जेक्ट के नहीं हैं उन्हें नहीं पता कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई है, है ना तो वो सारे सब्जेक्ट्स की बता रहे हैं ऐसा नहीं होता है उनकी बातों में आपने नहीं आना है वो किसी और सब्जेक्ट के लिए सही साबित हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश के लिए वो कभी भी सही साबित नहीं होंगे क्योंकि 58 पे मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सेफ हो ठीक है जनरल कैटेगरी में जे के लिए ठीक है 58 या उससे ऊपर आपके हैं मुझे ऐसा लगता है बीच बीच में कि फिफ्टी तक भी आ सकता है गलती से और अगर 51 या उससे ऊपर हो आप तो आप बिल्कुल सेफ हो नेट के लिए मैंने आपको पहले ही ये वीडियो बताई है सब कुछ है इसमें आप देख लो स्क्रीनशॉट ले लो ई डब्ल्यू पे सेफ हो ओबीसी में 46 पे सेफ हो एससी में आप 43... टू या थ्री पे फोर्टी टू से ऊपर है तो बिल्कुल सेफ हो एस टी पे भी आप वन वन से ऊपर हो तो सेफ हो ठीक है यही सारा जे आर एफ के लिए यहां पर लिखा है तो आपने इधर उधर की वीडियो को देख कर परेशान नहीं होना है ना ही फालतू लोग जो आपको यह कह रहे हैं कि रिजल्ट की हमारे पास पक्की खबर है या फिर फाइनल आंसर की हमारे पास पक्की खबर है वो लोग आपका बेवकूफ बना रहे हैं भावनाओं में मत बहना ठीक है इंतजार करो सब्र से इंतजार करो है ना इम्तिहान की घड़ी है और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन वीडियो बनाऊंगा कोई भी ऐसे ही गप्पे मारने के लिए तो उसमें आपने जरूर बताना कि किस किन किन लोगों का क्वालिफाई हुआ कितने परसेंट पे क्वालिफाई हुआ क्योंकि कट ऑफ का हमें उसी से अंदाजा होगा ठीक है क्योंकि परसेंटाइल में स्कोर आने वाला है तो जब आप कमेंट्स में बताओगे कि मेरे इतने परसेंट थे और मेरा नेट या जे या फिर ये क्वालिफाई हुआ है तो उससे पता लगेगा कि कट ऑफ कितनी है उसे हमें अगली बार के लिए आसानी रहेगी ठीक है तो तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का इंतजार कीजिए और खुद को व्यस्त रखो तभी मस्त रहोगे ठीक है और इंतजार करो और कुछ नहीं कर सकते फाइनल आंसर की एक दो दिन के अंदर आ जाएगी मुझे ऐसा लगता है कल या परसों आ जाएगी आज भी आ सकती है कुछ पता नहीं होगी इकतीस तक तो नहीं आई जब तक की मुझे उम्मीद थी ठीक है ओके बाय मिलते हैं अगली वीडियो में